नमस्कार। आज हमारे किचन में बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनने वाला है फ्रेंड। आप लोगों को सुन के आश्चर्यचकित होगा। ये लड्डू शादी वाला कमरकस लड्डू, और शादी में भी बहुत शुभ होता है। यूपी फेमस है, नेहा सिंह राठौर की शादी में बना हुआ ये लड्डू बहुत ही फेमस है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये लड्डू 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड। और कमर की दर्द, पुराना से पुराना दर्द ठीक होता है, और प्लेयर बच्चों सबको बॉन्स भी मजबूत करता है। ये बहुत ही अमेजिंग है और एनर्जेटिक पावर देने वाला है। ये लड्डू बहुत ही फेमस है। तो चलिए हम बनाते हैं फ्रेंड। में शुभ माना जाता है यूपी में। तो चलिए देखिए, सिर्फ आटा से बनता है। आटा देखिए, 2 बॉल हमने इससे लिए हैं फ्रेंड, और 1 बॉल बड़ा बादाम, घी, और 1 बॉल घी और 1 बॉल चीनी, बस। तो ये शुभ लड्डू बनाइए शादी वाला और खाइए। और कमरकस लड्डू ये बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। हम इसमें घी डालते हैं। ये देखिए, सारा घी आप डाल लीजिए एकदम से। और घी जब तक गर्म होता है, मिक्सी में चीनी और बादाम को हम पीस लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, घी बिल्कुल गर्म हो गया हमारा मीडियम फ्लेम पे। अब हम इस आटे को यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए, आटा जब तक भूनेंगे, जब तक घी में एकदम सुनहरा आटा में खुशबू ना आने लगे, इस तरह चलाते हुए ही इसको भूनते रहेंगे फ्रेंड। और फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे। देखिए इस तरह आप चलाते रहिए इसको। जब तक आटा में अच्छे से खुशबू ना आने लगे, एकदम सुनहरा ना होने लगे, तब तक आप हम चलाते रहेंगे। आटा एकदम अच्छे से भून जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड, चलाते हुए आटा एकदम से भून गया। देखिए थोड़ा, जब तक इस तरह इसके हर लम्स गुठली को फोड़ते हुए ही इस तरह चलाएंगे, ताकि एकदम कहीं पे भी लम्स गुठली ना रहे। इसको 5 से 10 मिनट आप इसको इस तरह मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करते रहें। कढ़ाई को किसी कपड़े से अच्छे से पकड़ लें और इसको फ्राई करें। देखिए फ्रेंड, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये सारा लम्स गुठली एकदम खत्म होना चाहिए, बिल्कुल लम्स गुठली नहीं होना चाहिए। इसे 5 से 7 मिनट इस तरह तेज तेज चलाएंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये अमेजिंग से लड्डू आपके हर जोड़ों का दर्द ठीक करेगा फ्रेंड। ये गर्मी और ठंडा दोनों में खाने वाला लड्डू है फ्रेंड। तो इस तरह ही आप एकदम चलाते रहें। देखिए फ्रेंड, ये 5 से 7 मिनट भूनते हुए हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया। देखिए एकदम लाल सुनहरा, एकदम खुशबू आने लगा। अब इसमें थोड़ा सा 1 से 2 बड़ा चम्मच सब्जी वाला चम्मच से पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल सूख जाए। एकदम तेज तेज चलाएंगे। और ये जो मिक्सी में बादाम और चीनी को देखिए, हमने बारीक करके पीसा है बिल्कुल, देखिए एकदम से। और इसको भी मिक्स कर लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे बस। और इसका लड्डू बनाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये पूरा मिक्स ना हो, इसको चलाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल आप देखिए,
ये बिल्कुल मिक्स हो रहा है, इसलिए आप एकदम इस तरह चलाइए कि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। और ठंडा होने पे इसका थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होगा, फिर इसका लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ईजी लड्डू है फ्रेंड, कमरबंद लड्डू, जो शादियों में बिल्कुल मुख्य तौर से शुभ चीज़ों पे बनता है ये लड्डू। अब हम इसको गैस को उतारेंगे और हाथों में पानी लगाएंगे और लड्डू बनाएंगे। बस देखिए फ्रेंड, अब हल्का सा ठंडा हो गया। अब हाथों को पानी में भिगाएंगे और ये देखिए पूरे हाथ पानी में भिगाएंगे और लेंगे और इस तरह लड्डू बनाएंगे। ये बहुत शुभ है फ्रेंड, शुभ चीज़ों में खाया जाता है। और कमर कस लड्डू ये बहुत ही इमेजिंग होता है फ्रेंड, हर शुभ चीज़ में ये बनता ही बनता है। थोड़ा सा आप दबाव दीजिए दोनों हाथों से हथेलियों पे लेके, ये देखिए और इस तरह लड्डू बना लीजिए। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाएंगे, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाथों को पानी में ज़रूर भिंगाइएगा ताकि आपका हाथ जले नहीं, तो हम बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे दबाइएगा तो ये बिल्कुल जल्दी सा गोल हो जाएगा और बहुत ही इमेजिंग होगा। ये देखिए चारों तरफ से हम सारे लड्डू को बना, देखिए फ्रेंड ये सारा लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया। 250 ग्राम आटा में देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा कि ये लड्डू बनाते समय आटे को अच्छे से फ्राई कीजिएगा, एकदम सुनहरा खुशबू आने तक, ताकि आप रख के भी खाते हैं तो ये खराब नहीं होगा फ्रेंड। और चीनी की और बादाम को मिक्सी में एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखिए। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।